नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी लोग जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे पप्पू यादव पर। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार में पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव गुरुवार को एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। जी आपको बता दूं, पप्पू यादव इस बार अधिकारियों को धमकाने को लेकर चर्चा में बने हुए। पप्पू यादव ने अधिकारियों को रोड में नहीं आने की चेतावनी दे डाली है। खबर को पूरी विस्तार से जानेंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि पप्पू यादव ने अधिकारियों से कहा कि मुझे लालू नीतीश और मोदी मत समझना। आगे पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताती हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार में पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव गुरुवार को एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। पप्पू यादव इस बार अधिकारियों को धमकाने को लेकर चर्चे में बने हुए। पप्पू यादव ने अधिकारियों को रोड में नहीं आने की चेतावनी दे डाली है। पप्पू यादव ने अधिकारियों से कहा कि मुझे लालू नीतीश और मोदी मत समझना। फिर क्या था, जांच अधिकारी को देखते ही पप्पू यादव के कार्यकर्ता भड़क उठे और बहस करने लगे। इतने में पप्पू यादव भी पहुंच गए और जांच अधिकारी को धमकाने लगे। पप्पू यादव ने दुश्मनी तक की चेतावनी दे डाली है। पप्पू यादव पहुंचते ही आग बबूला हो गए और अधिकारियों से कहने लगे, हम लालू नीतीश या मोदी नहीं है, ऑर्डर लाइए, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ऑर्डर लाइए, आप यहाँ कैसे आए बताइएगा ना। इस पर अधिकारी बोले, आप बोलिए हम चले जाएंगे। फिर पप्पू यादव बोले, आप यहाँ कैसे आए। पप्पू यादव ने अधिकारी से कहा, आप दोबारा इस रोड में आने के फिर से हिम्मत नहीं कीजिएगा और बोरिया बिस्तर लेकर तैयार रहिएगा। गाड़ी घर में लगी हुई है, उसमें झंडा लगेगा, गाड़ी रोड पर तो चल ही नहीं रही है। हम मोदी नीतीश लालू नहीं है, समझ जाइए अच्छे से। पप्पू यादव ने कहा, दुश्मनी 26 अप्रैल के बाद दिखेगी, अभी यहां से चले जाइए। हालांकि अधिकारी इसके बाद शांत दिखे और उन्हें कुछ जवाब देते नहीं सूझ रहा था। तो जैसा कि आपने सुना, पप्पू यादव ने कहा कि सारे विरोधी उन्हें प्रताड़ित करने के लिए साजिश रच रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि मैं चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन कर रहा हूं, इन वाहनों की अनुमति के लिए आवेदन भेजे जा चुके हैं, बस इसके ट्रायल के लिए सड़क पर लगा था और उसमें किसी तरह का डीजे भी नहीं बज रहा था। पप्पू यादव ने कहा, दुश्मनी 26 अप्रैल के बाद दिखेगी, अभी यहां से चले जाइए। हालांकि अधिकारी इसके बाद शांत दिखे और उन्हें कुछ जवाब देते नहीं सूझ रहा था। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।